बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स ग्रेड 9। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.2। इन दिस एक्सरसाइज वी विल यूज़ डिफरेंट फार्मूलाज। ये फार्मूलाज हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। थर्ड फार्मूला हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखें इसमें होल क्यूब्स थे ना, इसमें क्यूब अलग अलग है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो हमारे पास हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे 4.2 में। तो ये 7 फार्मूलाज हैं, ये आपने लिख भी लेने हैं और इनको मेमोराइज भी करना है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसका पार्ट 1 है इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 10 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में हम सबसे पहले देखें a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 10, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 6, तो इधर a माइनस बी इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डाटा है। अब हम देखेंगे कि ऊपर जो फार्मूलाज हैं इनमें से कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ हो रहा है। देखिए फर्स्ट a प्लस बी और a माइनस बी उस फार्मूला में, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। इधर a प्लस बी है, a माइनस बी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है। ठीक है, इसमें भी देखें a प्लस बी और a माइनस बी है, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये वाला यूज़ नहीं हो सकता। हम फर्स्ट वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। By using formula a plus b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखें a प्लस बी की वैल्यू क्या थी, 10। a प्लस बी की जगह हम 10 पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर, प्लस a माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 और उसका स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसकी तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में देखें हम 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 का स्क्वायर आएगा 100। ठीक है, 100 प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 होता है। ठीक है, 36 इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 100 और 36 को ऐड करेंगे तो 136 विच इज़ इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी हम उनको दूसरी साइड पे मूव करेंगे। तो 136 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इस साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, मैं इसके आगे इधर ही कर रही हूँ, 136 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 136 डिवाइडेड बाई 2 इज 68। ठीक है, 68 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी और वो हमारे पास आ गई है, क्या आई है, 68। नेक्स्ट पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 है, ए माइनस बी अंडर रूट 17 है और ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसमें ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ए प्लस बी की जगह हम 5 पुट करेंगे, फिर ए माइनस बी की जगह अंडर रूट 17 पुट करेंगे और 4 इस साइड पर जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो 4 इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यह आप लोगों का होमवर्क है, सेकेंड पार्ट, या आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
प्लस सी स्केयर इक्वल्स टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू माइनस वन. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है. हमने क्या, हमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यूज दी हुई हैं. हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम इसका पहले डेटा बना लेते हैं. डेटा में हम क्या चीज़ें लिखते हैं जो हमें गिवन होती हैं और जो हमने फाइंड आउट करनी होती हैं. क्वेश्चन नंबर टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें दिया हुआ है 45, ठीक है. नेक्स्ट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हमें दिया हुआ है माइनस वन, ठीक है. नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. अभी हमने पीछे ये फॉर्मूला देखा है, ये सेकेंड थर्ड वाला फॉर्मूला, ठीक है. इसमें ये सारी चीज़ें हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे. जैसे कि देखें, ए बाय यूजिंग फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. नेक्स्ट प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है. अब देखें, ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, माइनस वन, वो पुट कर देंगे और उसका क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है स्केयर, तो इधर स्केयर आ जाएगा. नेक्स्ट देखें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू हमें गिवन है ना 45, तो इधर क्या आ जाएगा 45. नेक्स्ट देखें, प्लस टू हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी बी सी और सी ए की. तो हम इस इनमें ए बी बी सी सी ए तो प्रेजेंट है लेकिन उनके साथ टू भी है, तो हम टू क्या निकाल लेंगे बाहर, कॉमन, और अंदर क्या वही, इसमें से टू बाहर आ जाएगा तो ये ए बी रह जाएगा. इसमें से भी टू बाहर हमने कॉमन निकाल लिया तो बी सी, इसमें से भी टू बाहर आ गया कॉमन तो सी ए रह जाएगा, ठीक है. माइनस वन का जब स्केयर लेंगे तो वो प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वन आ जाएगा. 45 प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है. जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी या सिर्फ इसी चीज़ की वैल्यू दी होगी तो हम उसमें से 2 को पहले कॉमन निकाल लेंगे. नेक्स्ट देखें, 145 इधर आके माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है. और ये 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है. 45 इधर प्लस हो रहा था ना, इस साइड पे कोई साइन नहीं था, मीन्स 45 के साथ प्लस का साइन था, ठीक है. तो इधर आके माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 44 हो जाएगा, ठीक है. और 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इस साइड पे क्या रह जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है. नेक्स्ट देखें, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, तो क्या आंसर आया है, माइनस 22. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का क्या आंसर आया हमारे पास, माइनस 22, ठीक है. तो ये हमारे पास ऐसे सॉल्व होगा. इसके रिमेनिंग क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 3, एम प्लस एन प्लस पी की वैल्यू दी हुई है और एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी की वैल्यू भी हमें गिवन है, ठीक है. तो उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है. लेकिन इसमें बस ए बी सी की जगह क्या हो जाएगा, एम एन पी, ठीक है, उसकी जगह एम एन पी हो जाएगा. और इसी तरह हम 2 कॉमन निकालेंगे, इसमें हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, 2 कॉमन निकालने के बाद हम एम एन एन पी और एम पी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है. और इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे. ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होगा. उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा और ऐसे ही सॉल्व होगा. इसमें देखें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है ना, तो एंड पे आके हम लोग अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, क्योंकि देखें हमारे पास इधर स्केयर होगा और इस साइड पे जब एक वैल्यू आ जाएगी तो एंड पे आके हम उस वैल्यू का और इस साइड का अंडर रूट ले लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 64 दिया हुआ है और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स फाइंड करना है. ये तो हमने बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन किया है उसी की तरह सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 6 करा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है जो कि है 7, ठीक है, और एक एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है जो हमारे पास है 12, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है. अब जब हमारे पास इस तरह का केस आएगा तो हमने उस केस में क्या करना है, हमने जो फर्स्ट ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इक्वल एक्स प्लस वाई जो होगा जिसकी वैल्यू होगी उसमें हमने टेकिंग x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 लिखना है, ठीक है. और टेकिंग हमने देखें क्यूब की वैल्यू निकालनी है ना, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स,
ठीक है, हमने दोनों साइड्स का क्यूब ले लेना है। तो इधर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का क्यूब इक्वल्स टू 7 का क्यूब। तो हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड्स का क्यूब ले लेना है। क्यूब हमने क्यों लिया है, क्योंकि देखें इधर क्यूब्स की वैल्यू हमें चाहिए थी, ठीक है, तो हम होल क्यूब अभी लेंगे। अब ये देखें इधर क्यूब का फॉर्मूला ओपन होगा, कौन सा, ए प्लस बी होल क्यूब वाला, जो कि है ए क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस उधर थ्री ए बी था तो इधर थ्री एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट एक्स प्लस वाई हो जाएगा, उधर ए प्लस बी था तो उसकी जगह इधर एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब, उधर बी क्यूब था तो इधर वाई क्यूब हो जाएगा, इक्वल्स टू सेवन का। जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास सेवन का क्यूब लेंगे तो 343 आएगा, तो इधर हम 343 लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें एक्स क्यूब ऐसे ही आएगा प्लस 3, एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है ना 12, हम एक्स वाई की जगह 12 लिख देंगे। फिर x प्लस वाई की वैल्यू भी गिवन है, क्या है 7, तो x प्लस वाई की जगह 7 पुट कर देंगे, ठीक है, प्लस वाई क्यूब ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट 343, अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कराना है, 7 3 ज़ा 21, 7 × 3 × 12 हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, तो हमारे पास आएगा 252। तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस क्या आया है 252 प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 343, ठीक है। यही था हमारे पास, इनको एक्स क्यूब आएगा, इनको सॉल्व करके हमारे पास आया है 252, वो लिखा प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 343, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है ना, इन्होंने यही कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम 252 को दूसरी साइड पे मूव करेंगे। दूसरी साइड पे जब मूव करेंगे तो इसके साथ इधर साइन क्या था, प्लस, दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज हो जाता है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 343 माइनस 252 यही है जी, ठीक है। तो आंसर क्या आया 91, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर क्या आएगा 91, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमने इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इस तरह हमारे पास आ गई। तो अब आपने याद रखना है कि ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हमने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स करना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7, इफ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11, एक्स वाई इक्वल्स टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो अब देखें इसमें भी हमने 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11 का बोथ साइड्स पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स लेना है, ठीक है। उसी तरह सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, ये भी वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही होगा, लेकिन इसमें माइनस का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, मैं क्वेश्चन नंबर 9 करती हूँ, जब क्वेश्चन नंबर 9 करूँगी तो आपको 7 वाला भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 13, और xy की वैल्यू हमें दी हुई है 6, और हमने फाइंड क्या करनी है 125x क्यूब और माइनस 216y क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम ये वाली फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 13, और नीचे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने इसका मतलब है कि इसका इनकी दोनों साइड्स का इस इक्वेशन की क्यूब लेना है, तो 13 का क्यूब, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग फॉर्मूला, लिख लें यहाँ पे बेशक आप लोग, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। अब देखें इस केस में हम इधर साइड पर रफ वर्क में लिख लेते हैं, ए क्या है 5x है, देखें ए क्या है, ए की जगह तो 5x है, तो ए हमारे पास इस केस में 5x है, और बी क्या है इस केस में हमारे पास 6y, ये 6 है, ठीक है 6y। अब हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना इसको, तो पहला क्या है ए क्यूब, तो ए क्या था 5x, 5x का होल क्यूब आ जाएगा माइनस 3, ए 5x है, ए की जगह 5x, और बी क्या है 6y, बी 6y है, तो बी की जगह 6y आ जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट्स ओपन a माइनस बी, तो 5x माइनस 6y, फिर माइनस b क्या था 6y उसका होल
क्यूब। ये हमने इसका फॉर्मूला ये ओपन किया, फिर इक्वल्स टू आया और फिर ये 13 का क्यूब लेंगे हम। तो 13 का क्यूब हम कैलकुलेटर से ले लेते हैं 2197, ठीक है, 2197, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, 5 का क्यूब लेंगे तो 5 का क्यूब हमारे पास क्या आता है, 125 आता है, ठीक है, 125। तो 125x³, ठीक है, माइनस, आप देखें 6 5 30 और 33 90, ठीक है। इसको बेशक आप कैलकुलेटर पे कर लें, 6 × 5 × 3, तो ये हमारे पास 90 आएगा। तो 90xy यही आएगा इन सारों तीनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने इनको तीनों को मल्टीप्लाई करा दिया। 5x − 6y की वैल्यू हमें गिवन है ना ऊपर, ये 13, तो हम इसकी 5x − 6y की वैल्यू की जगह 13 पुट कर देंगे। −6 का जब हम क्यूब लेंगे तो वो होता है हमारे पास 216, तो 216 y का जब क्यूब लेंगे तो y क्यूब, और इस साइड पे 2197 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 125x³ − 90xy की जगह में xy की वैल्यू क्या थी, 6, वो पुट करूँगी, ठीक है, 6 पुट करूँगी और 13, मैंने क्यों 6 को ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि xy 90 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने उसको ब्रैकेट में कर दिया, 2197। नेक्स्ट देखें, 125x³, अब मैंने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई कराने के लिए 90 × 6 × 13, ठीक है, तो ये आंसर आया है 7020 −7020, ठीक है, 7020 −216y³ = 2197, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, अब हमने 125x³ − 216y³ की वैल्यू निकालनी है, तो 7020 जो है हमारे पास इस साइड पे एक्स्ट्रा है, तो हम इसको दूसरी साइड पे मूव करेंगे, 125x³ − 216y³ = 2197, प्लस, इधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो जाएगा, 7020। तो अब देखें, 7020 में हमने क्या ऐड करना है, 2197, तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो 9217। तो 125x³ − 216y³ का फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया है, 9217, ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया। तो ये एक दफ़ा आप देख लें पूरा क्वेश्चन, ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कैसे होगा, हम क्वेश्चन नंबर टेन में हमें x + 1/x की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 3, और हमने फाइंड आउट करनी है x³ + 1/x³ की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर यही लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, और x + 1/x का इधर भी क्यूब ले लेंगे और इस साइड पे भी क्यूब ले लेंगे, ठीक है। फिर देखें इस केस में a हमारे पास क्या है, इधर साइड पे फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, क्या होता है हमारे पास a + b³ का क्या फॉर्मूला होता है, a³ + 3ab a + b + b³, यही फॉर्मूला होता है। इस केस में a हमारे पास क्या है, x है, और b क्या है 1/x, ठीक है, पहली टर्म a होती है, दूसरी b, तो b क्या है 1/x। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ये साइड तो हमें गिवन है, हमने इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, a क्यूब है तो x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3ab, 3a क्या है x और b क्या है 1/x, फिर क्या है a + b, a क्या है x प्लस b क्या है 1/x, तो वो हो जाएगा प्लस b क्यूब है, b क्या है 1/x, उसका क्या आ जाएगा क्यूब, इक्वल्स टू 3 का, ये हम 9 लगा देते हैं रफ करके, ठीक है, 3 का क्यूब लेना है, 3 3 = 9 और 9 3 = 27, तो 3 का क्यूब 27 आ गया। ये देखें x³ ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर 3 रह जाएगा, x + 1/x की वैल्यू हमें क्या थी ऊपर गिवन, 3, तो हम उसकी जगह 3 पुट कर देंगे, इसमें इस x + 1 की जगह ये 3 पुट किया है, प्लस 1 का क्यूब लेंगे 1 ही रहेगा और x का क्यूब लेंगे तो x³ विच इज़ इक्वल्स टू 27। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में x³ + 3 3 =
9 प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27। अब देखें एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27 और ये 9 एक्स्ट्रा था ना हमने, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी थी, 9 इधर एक्स्ट्रा था तो 9 को दूसरी साइड पे मूव करेंगे और इधर प्लस साइन हो रहा है, इधर जाके माइनस 9 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 27 माइनस 9 इज 18, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 18, ठीक है। तो ये हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ये भी बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, आपने क्यूब ही लेना है, लेकिन इसमें एक्स ए क्या था, एक्स और बी क्या था, 1 बाय एक्स। यहाँ पे इसकी कटिंग भी होगी और यहाँ से हमने एक्स प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू पुट की है और सिंपल उसी तरह हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 11 देखें। x माइनस 1 बाय x की वैल्यू दी हुई है, सेम ये ऊपर वाले की तरह ही सॉल्व होगा, लेकिन बस इसमें माइनस का फॉर्मूला लगेगा। अभी हमने ऊपर प्लस का लगाया है ना क्यूब में, नीचे माइनस का लगेगा। नेक्स्ट दोनों पार्ट ऐसे ही सेम सॉल्व होंगे, ठीक है। हम वो इसी तरह टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स लेके, एक जहाँ पे प्लस होगा वहाँ प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ पे जिस केस में माइनस होगा वहाँ माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। 14 देखें, फैक्टराइज, ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। आपको पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है, आगे माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें इधर से हम माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये एक पूरी एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में x माइनस वाई कॉमन है, हम x माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं। इस टर्म पूरी टर्म में से जब x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इससे जब x माइनस वन बाहर y बाहर जाएगा तो इधर कुछ भी नहीं रह जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस वन, ठीक है। तो ये इसका फाइनल फैक्टराइज होके आंसर आएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट, ये पार्ट वन था, नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी बेशक बिल्कुल ऐसे ही होगा, उसमें भी हम फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें देखें अब कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले हम फॉर्मूले की। तो देखें 2x का होल क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, 3y का होल क्यूब, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास क्या हो गया है, अब इसको लिख लेते हैं होल की फॉर्म में, ठीक है, 3x माइनस 1 बाय 3y का होल क्यूब। अब हमारे पास इस केस में a जो है वो 2x है और b जो है वो 1 बाय 3y है, यही है, ठीक है। और इधर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b। आप लोगों ने फॉर्मूलाज ज़रूर याद करने हैं, आप जब तक फॉर्मूलाज नहीं याद करेंगे ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने जो शुरू में फॉर्मूलाज लिखवाए हैं वो आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अब इसकी a की जगह हम 2x पुट करेंगे और b की जगह 1 बाय 3y, तो इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है इसको, ये फॉर्म तो इधर है ना गिवन, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a माइनस b है, इसका मतलब 2x माइनस 1 बाय 3y हो जाएगा। फिर a स्क्वायर है, a स्क्वायर क्या है, 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी है 2x और b क्या है 1 बाय 3y। फिर क्या है नेक्स्ट, प्लस बी क्यूब तो 1 बाय 3y का होल स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर तो 1 बाय 3y का होल स्क्वायर। तो 2x माइनस 1 बाय 3y, ठीक है। इधर 2x के ऊपर स्क्वायर खोलेंगे, 2 2 ज़ा 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x बाय 3y, यही हो जाएगा 2x 1 ज़ा 2x और नीचे 3y, प्लस 1 का स्केल लेंगे 1 और 3 का स्केल लेंगे 3 3 ज़ा 9 और y का स्केल लेंगे तो y स्केयर, ठीक है। ये इसका आंसर है आफ्टर फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसकी हमने फैक्टराइजेशन इस तरह करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें, फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फॉर्मूलाज। हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं इनके फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए, तो पार्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए क्या था, एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें, हमारे पास आपने एक फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस केस में ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी क्या है, वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर देखें ए प्लस बी है पहले, तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। फिर ए स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर भी है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसे फॉर्मूला को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए का क्यूब प्लस बी क्यूब लिखना है। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, हम बताएंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए, अब इस केस में ए क्या है, एक्स स्क्वायर है और बी क्या है, वो वाई स्क्वायर है। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए की जगह हमने एक्स स्क्वायर डाला। ठीक है, और उसका क्या है, क्यूब, तो क्यूब आ गया। ठीक है, और बी इस केस में प्लस बी क्या है, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का क्यूब आ गया। अब देखें, एक्स थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस वाई थ्री टू ज़ा सिक्स, ये इसका फाइनल हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जैसे ए एक्स स्क्वायर था ना और बी क्या था, वाई स्क्वायर, इसमें ए एक्स क्यूब हो गया और बी क्या हो गया, वाई क्यूब। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसी तरह सॉल्व होगा, लेकिन इसमें प्लस का हुआ था, इसमें पहले माइनस है, तो फिर माइनस का फॉर्मूला सॉल्व माइनस के फॉर्मूले से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, पार्ट थ्री इसका, पार्ट थ्री हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखें, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स बनाने के लिए देखें, फर्स्ट हम क्या है, x माइनस वाई। ठीक है, तो x माइनस वाई लिखेंगे। अब x माइनस वाई का किसके साथ पेयर बनाएं कि फॉर्मूला क्लोज हो सके। फॉर्मूला क्लोज करने के लिए x माइनस वाई का, अब जब देखें a माइनस बी होता है तो अगला ए स्क्वेयर प्लस ए बी होता है, तो ये वाला पेयर इसके साथ आएगा, प्लस वाला, एक माइनस वाला भी है लेकिन इसके साथ कौन सा आएगा, प्लस वाला। तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इन दोनों का पेयर बन गया। ठीक है, सेकंड पेयर हमने एक्स प्लस वाई के साथ बनाना है, तो एक्स प्लस वाई के साथ माइनस वाला बनेगा। देखें, लेकिन माइनस वाले दो हैं, एक ये है और एक ये है, लेकिन ये वाला पेयर क्यों इसके साथ बनेगा, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स फोर वाला नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला इधर एक्स है। अगर इधर एक्स स्क्वायर होता, जैसे नेक्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर है, तो उसका एक्स फोर के साथ बनेगा। ठीक है, इधर सिंपल एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ इसका पेयर बनेगा। ठीक है, फिर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका पेयर बनेगा एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर के साथ। ठीक है, फिर देखें, तो फॉर्मूला क्लोज हो रहा है कौन सा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। ठीक है, इधर कौन सा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। ठीक है, इधर देखें कौन सा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, क्योंकि अब इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर, इनमें तो ए एक्स और वाई था, ए एक्स था और बी वाई था, लेकिन इसमें ए एक्स स्क्वायर है और बी वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, फिर इन दोनों पे देखें फॉर्मूला बन रहा है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है एक्स क्यूब तो उसका स्क्वायर, माइनस बी क्या है वाई क्यूब तो उसका स्क्वायर। ठीक है,
फिर नेक्स्ट इधर एक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस वाई, थ्री टू ज़ा सिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें इधर एक्स थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस वाई थ्री टू ज़ा सिक्स, और इधर एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखें इक्वल्स टू डाल दें। नेक्स्ट स्टेप में फिर फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए इस केस में क्या है, एक्स सिक्स तो उसका स्केयर, माइनस बी क्या है वाई सिक्स तो उसका स्केयर। तो ये क्या हो जाएगा, x 6 टू ज़ा 12 माइनस y 6 टू ज़ा 12, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये आप देख लें। नेक्स्ट जो पार्ट फोर है वो भी ऐसे ही होगा, ठीक है। टू एक्स स्केयर माइनस वन का पेयर पहले इसके साथ 4x4 प्लस टू एक्स स्केयर प्लस वन के साथ बनेगा, और टू एक्स स्केयर प्लस वन का पेयर माइनस वाले के साथ बनेगा, और एंड पे फॉर्मूलाज क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 एंड हुई है। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।